प्रेज लॉट एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सब अच्छे होंगे। और हम यहाँ पर कुछ, मैं आपको फिर से कुछ वचन से आप लोगों को मैं आज बताना चाहूँगा। और आज जो वचन हम सीखने जा रहे हैं वो वचन हम लोग पढ़ेंगे, आपके सामने आएगा। हम पढ़ेंगे, जवान सी हो तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यौवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जब आप इस वचन को पढ़ते हो, ये वचन बाइबल से है और बाइबल के भजन संहिता 34वें अध्याय 10 पे लिखा हुआ है कि जवान सिंह तो घटी होती और भूखे भी रह जाते हैं। हम सब जानते हैं जवान सिंह जो होते हैं ऐसे होते हैं कि उनको कभी भी कमी घटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं, अच्छे शिकार कर सकते हैं, अपना भोजन की तैयारी कर सकते हैं, वो ऐसे जवान होकर किसी जानवर को अच्छे से पकड़ सकते हैं। मतलब वो एक ऐसे जानवर हैं जो हर चीज़ में एक्टिव होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि एक बार तो वो भी भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के खोजिए हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो उस पर अपनी आशाएं टिकाए रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को चलते हैं, जो अपने हर एक परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं और प्रभु को दिन रात ढूंढते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन कहता है उस व्यक्ति को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। अगर मेरे प्रियो, अगर आज हो सकता है हम में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी कमी घटी में जी रहे होंगे, हम सोच रहे होंगे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन इस वायदे को सोचे जो परमेश्वर ने अपने लोगों से किया और कहा, जो उस पर विश्वास करने वाले हैं, कहता है कि तुम मुझे खोजो, तुम मुझे ढूंढो, तुम मुझसे प्रार्थना करो, मुझे वचन पढ़ो, तो देखो कि तुम्हें कभी भी किसी भली वस्तु की घटी में कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन एक समय में जवान सी को घटी हो जाती है, लेकिन वह भूखे भी रह जाते, लेकिन मेरे लोग कभी भूखे ना प्यासे रहेंगे, जो सच में परमेश्वर पर विश्वास करना चाहता है। अगर हमारे बीच में है, अगर हम सुन रहा है, इस बात को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर पर भरोसा करके देखे, परमेश्वर को ढूंढ के देखे, उसको मान कर देखे, अपना विश्वास ला कर देखे, वो परमेश्वर हमें कभी भी किसी की कमी घटी नहीं होने देगा। थैंक यू, आपने इस ध्यान से सुना, गॉड ब्लेस यू। और यदि किसी के पास कोई भी प्रार्थनाएँ हैं, विषय है, यदि कोई बीमार है, कोई परेशान है, वो अपनी बातों को कमेंट में लिख सकता है ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।